बीजेपी शासित उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी का बिल पेश किया गया। इस बिल में महिला अधिकारों को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। बीजेपी यूसीसी को देशहित में बता रही है। अब सवाल यह है कि ये कानून लागू हुआ तो किसे फायदा होगा, इसका क्या असर पड़ेगा। सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से बीजेपी कैसे 400 पार का लक्ष्य हासिल कर सकती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर बीजेपी ने पूरे देश को संदेश दे दिया। संदेश सिर्फ एक समान कानून का नहीं, बल्कि संदेश 400 पार का भी। बीजेपी कैसे पूरी रणनीति से आगे बढ़ रही है और कैसे उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में यूसीसी लागू करके बड़ा संदेश दे रही है, कैसे यूसीसी के जरिए 400 पार का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है, ये सब आपको आगे बताएंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पेश करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वो ऐतिहासिक क्षण नजदीक है जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बीजेपी ने पहला कदम उत्तराखंड से आगे बढ़ाया है, यानी एक शुरुआत कर दी है जो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। मैं माननीय धामी जी को बधाई दे रहा हूं, जिनके नेतृत्व में आज ये जो ऐतिहासिक क्षण है हमारे इन्हीं आंखों के सामने आया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो देवभूमि के हम लोग हैं ये पहल कर रहा है इस चीज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें इसी दौरान होनी है कि हम कभी विश्वगुरु कहलाए जाते थे, हमारी अपनी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, हमारे अपना खान पान था, अब वो फिर उसी रास्ते पे हमारा देश और हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के मसौदे में कई ऐसे सुझाव हैं जो नागरिक समानता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। शादी को लेकर कहा गया है कि सभी धर्म और जातियों में शादी की उम्र एक समान होगी। बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। कोर्ट के अलावा हर तरह के तलाक पर रोक रहेगी। हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक रहेगी। उत्तराखंड में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। यूसीसी कानून लागू होने से पहले इस पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी इसे मजहबी नजरिए से देख रही है और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। यूसीसी जनहित के लिए है, देशहित के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए और आगे के और राज्य जो हैं उनको इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दुकानें जिनकी चल रही हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो जरूर आपसे सवाल करेंगे और उनके सवाल आप हमसे करेंगे, लेकिन जनहित में और देशहित में यूसीसी बहुत महत्वपूर्ण है। यूसीसी को मजहबी चश्मे से देखना जरूरी है या सियासी मजबूरी, इस पर अभी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मसौदे में दिए गए सुझाव समानता को बढ़ावा देने वाले हैं। यूसीसी लागू होने पर क्या होगा? हर धर्म शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। सभी धर्म की महिलाओं को बच्चे गोद लेने की छूट होगी। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। धर्म के हिसाब से शादी पंडित और मौलवी ही कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। केंद्र से मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया, आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू होता। देश हित में, राष्ट्र हित में, और ये जरूरी था
क्योंकि एक देश एक राष्ट्र और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व तो बनता है। और जिस तरह मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेते हुए आत्मसात करते हुए इस देश को स्वावलंबी बढ़ाना और भारत को विकास की ओर ले जाना 2047 देखना, तो क्यों ना एक कानून बने। यूसीसी पर राजनीतिक बयानबाजी आगे भी होती रहेगी, मगर बीजेपी अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है जो उसकी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है और सियासी फायदा भी हो सकता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे देश में इसका प्रचार करेगी। इस दौरान बीजेपी मतदाताओं से ये कह सकती है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी सरकार 2019 में किए गए अपने दो बड़े वादे पहले ही पूरे कर चुकी है, जिसमें राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना शामिल है। तीसरा वादा यूसीसी का है, उत्तराखंड में लागू होते ही बीजेपी की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और उत्तराखंड में बिल आने के बाद लोकसभा चुनाव में ये कहा जा सकता है कि तीसरे टर्म में समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करेंगे। इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। यूसीसी होना चाहिए, ऐसे हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज के दुनिया में इतना साल हो गया तो एक आदमी के एक बीबी, एक आदमी का चार बीबी है, तो कैसे सूट कर सकता है। यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, मगर बीजेपी इसके जरिए लोकसभा चुनाव में बड़ा संदेश देने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी की इस रणनीति से विरोधी खेमे में खलबली है। जो उनका मकसद है सिर्फ अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स, अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे, और उनका मकसद साफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। हम इसका खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और हर वक्त हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि यूसीसी को पूरे देश में एक साथ लाने के बजाय उत्तराखंड से शुरुआत की गई है। इसके नतीजे अगर अच्छे रहे तो भविष्य में इसे देश भर में लाने की रणनीति पर काम होगा। यूसीसी के जरिए सभी महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कही जा रही है, जिससे बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को साधने की कवायद में 3 तलाक के बाद हलाला और इद्दत से निजात मिली तो बीजेपी को वोट बैंक के लिहाज से बड़ा फायदा हो सकता है, जो उसके 400 पार के मिशन को कामयाब करने में मददगार साबित हो सकता है। पहले आदरणीय मोदी जी ने 3 तलाक से मुक्ति दिला करके और गुलामी की दास्ता से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई थी, और जो बची चीज़ें हैं जिनके कारण से मुस्लिम महिलाएं बड़े तनाव में रहती हैं, उन सब तनावों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगी और वो एक गरिमामयपूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। समान नागरिक संहिता बीजेपी का पुराना मुद्दा है, जिसे लागू करने की शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। यानी उत्तराखंड सिर्फ ट्रेलर है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे बनाने की पूरी कोशिश करेगी और अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिसात बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।